सलमान के घर फायरिंग मामले में चार्जशीट दाखिल। मकोका कोर्ट में 1736 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में बिश्नोई गिरोह को लेकर खुलासा है। महाराष्ट्र में धाक जमाने के लिए यह हमला किया गया, चार्जशीट में ऐसा बताया गया है। चार्जशीट में सलमान खान का भी बयान है। सलमान ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, ये सब पैसे की वसूली के लिए किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल हो गई है जो सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी उस मामले में। मकोका कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल हुई है। 1736 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। बिश्नोई गिरोह को लेकर इस चार्जशीट में खुलासा भी किया गया है और ये कहा गया है चार्जशीट में कि महाराष्ट्र में धाक जमाने को लेकर ये हमला किया गया था ताकि खबर फैले, लोग डरे, इसलिए धाक जमाने को लेकर यह हमला किया गया था। सलमान खान का भी बयान है इस चार्जशीट में, उसमें सलमान खान ने कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है और यह सब कुछ जो हो रहा है यह पैसे की वसूली के लिए किया जा रहा है और इसमें नाम लिखा गया है बिश्नोई गिरोह का। मेरे सहयोगी सूरज ओझा मेरे साथ जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। चार्जशीट बहुत लंबी है और क्या क्या उसमें कहा गया है? 1700 से ज्यादा पन्ने हैं चार्जशीट में। जी बिल्कुल, देखिए ये चार्जशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है लॉरेंस बिश्नोई की एक एक हकीकत सामने लाने के लिए। इस मामले की जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस चार्जशीट में 46 लोगों के बयानों का उल्लेख किया है। साथ ही जांच में सलमान खान और अरबाज खान का भी बयान दर्ज किया है। सलमान खान ने बताया कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जो उन्हें प्रोत्साहित करती है कि मुझे धमकी दें, मेरे परिवार को धमकी दें, मुझे ईमेल करके मुझे मारने की कोशिश करें, मुझे मेरे घर के बाहर एक चिट्ठी छोड़ दें जिसपे मारने की धमकी दी जा रही है। सलमान खान ने ये कहा है कि उनका मानना है कि उन्हें सिर्फ उनसे वसूली करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि हमने चार्जशीट में उन चीज़ों का भी उल्लेख किया है जो चीज़ें इस केस को आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सूरज, चार्जशीट में और क्या क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए चार्जशीट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि इंडिया के नॉर्थ, उत्तर और पश्चिम के कुछ राज्य हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग लोगों से उगाही करती है और सलमान खान पर फायरिंग कर उसकी ये कोशिश थी कि मुंबई और बॉलीवुड जगत में अपनी पैर जमाए ताकि और बड़े लोगों से हफ्ता वसूली की जा सके, उगाही की जा सके। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ये बड़ी प्लानिंग थी कि कैसे बहुत बड़ा पैसा अपने पास लाया जाए और उसके लिए ये उनका एक कदम था। जी तो ये काफ़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें जो गिरफ्तारियां की गई या फिर जो बातचीत की गई उस बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई क्राइम ब्रांच को एक बहुत बड़ा सबूत ये मिला है इस मामले में। गिरफ्तार अनुज थापा नाम का जो आरोपी है वो जब यहाँ से फरार हुआ था और मतलब वारदात को अंजाम देने के बाद, तो लगातार वो अनमोल बिश्नोई के कांटेक्ट में था। फायरिंग की वारदात को अंजाम देने से पहले भी वो लगातार अनमोल बिश्नोई के कॉन्टैक्ट में था और इसकी एक रिकॉर्डिंग उसको गिरफ्तार करने के बाद उनके मोबाइल से मिली थी। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये अनमोल बिश्नोई का एक ऑडियो सैंपल पंजाब पुलिस के पास भी मौजूद था, ये और एनआईए के पास भी मौजूद था। तो केंद्रीय एजेंसियों से उसका सैंपल मंगाया गया और इस सैंपल से वो मैच हो गया, यानी कि अब मुंबई पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत है बिश्नोई गैंग के खिलाफ जो इस तरह की वारदात को अंजाम देकर लोगों से वसूली करती है। आगे अब मुंबई पुलिस क्या करने वाली है? देखिए इस पूरे मामले में अब रही बात लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, उसकी कस्टडी लेने की बहुत आवश्यकता है मुंबई पुलिस को और जिसकी कोशिश भी मुंबई पुलिस कर रही है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई को एक्सट्रेडिशन भी करना है क्योंकि अनमोल बिश्नोई फिलहाल पुर्तगाल में है जहाँ से उसने बैठकर एक फेसबुक पोस्ट किया था। उस फेसबुक पोस्ट में उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि सलमान खान के घर के बाहर उसने ही फायरिंग कराई थी और जांच में ये भी बात सामने आई है कि अनमोल बिश्नोई को वो पोस्ट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनका उल्लेख इस पूरे चार्जशीट में किया गया है। ठीक है, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।